पूजा पाल कौशाम्बी के चयन से सपा विधायक, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं ने बीच में इतना जोर पकड़ा कि ये बातें होने लगी कि आज नहीं तो कल पूजा पाल ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। इंद्रजीत सरोज और पूजा पाल ये दो नाम इतने चर्चा में थे कि शायद एक बार तो समाजवादी पार्टी को भी चिंता होने लगी हो। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से एक बार पूजा पाल फिर से चर्चा आई। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी और उमेश पाल की बहन। जब बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हुई तो एक दिन आधी रात में पूजा पाल ने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने खुद से बताया कि वो बीजेपी में नहीं जा रही हैं, ये सब अफवाहें हैं और उनको बदनाम करने की साजिश है। इसी बीच सोमवार से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ। पूजा पाल इसमें हिस्सा लेने पहुंची, जहां पर उनसे फिर से एक बार सवाल किया गया कि बीच में आपके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। सुनिए इस सवाल पर पूजा पाल ने खुद ही बता दिया कि आखिर वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं या फिर नहीं। मैम कई जगह खबर आ रही थी कि आप बीजेपी के लिए आप शामिल होने वाले हैं। मैम क्या दिल्ली भी गई थी आप? कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है? आप खुद ही पता लगाइए, आप आम आदमी पार्टी का ही सही रहेंगी। हालांकि पूजा पाल पहले भी ट्विटर के जरिए ये बात साफ कर चुकी हैं कि वो समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा रहेंगी, लेकिन लगातार बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये बात उठी क्यों रही है। आपको क्या लगता है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी में रहेंगी या आने वाले समय में बीजेपी का दामन थाम सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।